हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि चीकू का स्किन केयर रूटीन मैं कैसे फॉलो करती हूँ। मॉर्निंग टू नाइट मैं कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो यूज़ करती हूँ और चीकू की स्किन किस तरीके की है और मेरे क्या पर्सनल फेवरेट्स हैं और जब वो छोटा था तब मैं क्या यूज़ करती थी, अभी करेंटली मैं क्या यूज़ कर रही हूँ। सो आज वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताऊँगी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जब चीकू पैदा हुआ था तो मैं क्या कौन से प्रोडक्ट्स थे जो यूज़ करती थी और किन से मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला, किन से मुझे अच्छा रिजल्ट नहीं मिला। तो जब चीकू पैदा हुआ था तो मैंने उसके होने से पहले ही, जैसे हम लोग पूरी तैयारी कर लेते हैं एक महीने पहले से, तो मैंने भी तैयारी कर ली थी। मैंने हिमालय की किट आती है वो पूरी मंगा ली थी। मुझे लगा हिमालय तो एक ऐसा ब्रांड है, एक प्रोडक्ट है जो यूजुअली बच्चों को सूट कर जाता है, हर्बल बेस्ड प्रोडक्ट है। बट आई वॉज रॉन्ग एट दैट टाइम। जब मैंने चीकू की स्किन जब हुआ था तो एक महीने तक बहुत ज़्यादा सेंसिटिव थी। वैसे भी न्यूबॉर्न बेबी की स्किन बहुत सेंसिटिव होती है, बहुत कम बच्चे ही ऐसे होते हैं जिनके फेस पे या पूरे स्किन पे दाने नहीं होते, रैशेज नहीं होते। मेजरली बच्चों को होते हैं। बूढ़े बड़े कहते हैं कि पेट की गर्मी है बच्चे की, वो निकल रही है, एक दो महीने में अपने आप सही हो जाएगा। सो चीकू के साथ में भी सेम यही सीन था। जब मैंने हिमालय के प्रोडक्ट यूज़ किए तो उसका एकदम ही एडवर्स इफेक्ट आया, उसकी स्किन और ख़राब हो गई। तो वो हिमालय वाला पूरा का पूरा जो किट था वो ऑलमोस्ट डिस्कार्ड मुझे करना पड़ा। फिर मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया कि एकदम न्यूबॉर्न बेबी में कौन सी जो चीज़ें होती हैं वो मैं अप्लाई करूँ, यूज़ करूँ। सो जॉनसन एंड जॉनसन था, ममा अर्थ था, मॉम्स को था, सेबामेड था, बहुत सारे ब्रांड्स थे, एवीनो था। तो मैंने पर्सनली, मुझे ऐसा लगा कि मैं सेबामेड के साथ जाती हूँ क्योंकि इसके मैंने रिव्यूज़ भी देखे थे, वीडियोस भी देखे थे कि बहुत सेंसिटिव स्किन के लिए, एकदम न्यूबॉर्न की जो स्किन होती है उसके लिए वो बहुत अच्छे होते हैं। सो मैंने सेबामेड का पूरा किट मंगाया। उसके अंदर में फेस वॉश था और लोशन था, उसका फेस क्रीम अलग थी, ये टैल्कम अलग था। तो ये सारा चीज़ मैंने मंगाई। तो अप टू, मुझे जहाँ अभी तक याद है कि 6 to 7 months तक मैंने प्योरली सेबामेड ही यूज़ किया। 6 months के बाद मुझे ऐसा लगा कि अब चीकू की स्किन थोड़ी सी एक धीरे धीरे फॉर्म हो गई है, इतना ज़्यादा सेंसिटिव नहीं रही है। सो मैंने स्विच किया सेबामेड से सबसे पहले जॉनसन एंड जॉनसन पे। तो मैंने उसका बॉडी वॉश मंगाया जो हेड टू टू वाला होता है और जिसमें शैम्पू सारा इंक्लूडेड होता है, और एक लोशन मंगाया क्योंकि तब गर्मी आ चुकी थी, सर्दियों वाला फेस निकल चुका था। सेबामेड मुझे ऐसा लगा कि क्योंकि होता क्या है कि सेबामेड थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है तो बार बार, और बच्चों की स्किन में बहुत जल्दी सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती है। तो फिर मुझे लगा कि कोई और ब्रांड ट्राई करना चाहिए, तो मैं जॉनसन एंड जॉनसन मैंने लिया। उसके रिजल्ट बहुत अच्छे थे। लास्ट ईयर की गर्मियों में, पूरी गर्मियों में हेड टू टो बाथ और लोशन वही मैंने उसके साथ यूज़ किया है। तेल हम लोग जनरली उसको नारियल का तेल लगाते थे गर्मियों में, सर्दियों में हम बादाम रोगन ऑयल जो होता है, एक बॉटल आती है कांच की बादाम ऑयल की, वो हम लगाते थे। जब लास्ट ईयर की जब सर्दी आने वाली थी तो फिर मुझे एक हैवी लोशन पे मूव करना था क्योंकि अब चीकू 1 साल का हो चुका था। फिर मैंने फाइनली ममाअर्थ के प्रोडक्ट्स लिए। ममाअर्थ के मैंने बहुत सारे वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स यूज़ किए और सबसे अच्छी चीज़ जो है ममाअर्थ के साथ में कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है और जो बेबी केयर के प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत इफेक्टिव है। जब चीकू हुआ था तो उसको कोलिक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती थी, तो जो घरेलू नुस्खे होते हैं, हींग का पानी लगा देना, हींग लगा देना, उससे भी कभी कभी उसको रिलीफ नहीं मिलता था। तो मैंने ये ट्राई किया, इजी टर्मी रोल ऑन। ये बेसिकली हींग एंड फेनल ऑयल का है, जो सौंफ होती है उसका और हींग का जो तेल होता है वो है। ये हल्का सा, मैं ये आप देखिए इस तरीके का है, ये हल्का सा मैं इसको लगा देती थी और उसको बहुत जल्दी गैस का जो भी प्रॉब्लम होता था वो ख़त्म हो जाता था। टच वुड, चीकू को बहुत ज़्यादा कभी भी कोलिक प्रॉब्लम हुई नहीं, और कभी कभार होती थी तो ये बहुत ये ऑलमोस्ट मुझे 1 ईयर तक बहुत यूज़फुल रहा है। ये अभी भी मेरी ऑलमोस्ट आधी भरी हुई बॉटल है, पूरी ख़त्म भी नहीं हुई है। तो ये ममाअर्थ का मैंने था जो ट्राई किया था, मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। इसी के साथ में एक, जैसे गर्मियों में मच्छरों के काटने का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है तो उसी का ममाअर्थ का एक आता है आफ्टर बाइट रोल ऑन। ये बेसिकली होता है कि कहीं पे अगर मच्छर काट गया है, कोई कीड़ा काट गया है, कोई रैशेज हो गए हैं, रैशेज लाइक किसी इंसेक्ट्स के काटने से रैशेज हो गए हैं, सो इसके बाद में लगा दो तो बच्चे की जो भी खुजली हो रही होती है बुरी तरीके से वो सारी ख़त्म हो जाती है। ख़त्म तो नहीं होती लेकिन बहुत कम हो जाती है। लाइक चीकू के साथ में क्या होता है कि बच्चों के नेल्स बहुत जल्दी जल्दी बड़े हो जाते हैं। मैं कोशिश यही करती
करती हूँ कि मैं यूजुअली टाइम टू टाइम कट करूँ, बट कभी कभी ऐसा होता है कि मेरा भी ऊपर नीचे हो जाता है उसके साथ में। सो अगर किसी मच्छर ने काट लिया तो वो खुजा खुजा के ऑलमोस्ट खून निकाल लेता है क्योंकि नेल्स बड़े होते हैं। सो ये बहुत इफेक्टिव है, ये भी शुरू से लेके अभी तक मैं यूज़ कर रही हूँ उसको। ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है, मैं इसकी दूसरी बॉटल मंगाने वाली हूँ। सो ये भी बहुत अच्छी है। तो ये ममाअर्थ के दो प्रोडक्ट ऐसे हैं जो अगर आप प्रेग्नेंट हैं या आप न्यू मॉमी हैं, अगर आपका बेबी छोटा है तो आप ये मंगा के रखिए। बहुत बहुत इफेक्टिव प्रोडक्ट्स हैं। सो ये ममाअर्थ का सबसे पहले जो चीज़ें थी जो मैंने ये यूज़ करी, अब जब चीकू का जब विंटर आने वाली थी तो मैंने ममाअर्थ का लोशन मंगाया। लोशन मेरे पास ख़त्म हो चुका है, इसकी बॉटल नहीं है। उसका लोशन बहुत अच्छा था, बहुत थिक लोशन था। मैंने एक महीने लगाया फिर वो ख़त्म हो गया। बट अब दिक्कत ये आ रही थी कि जिस तरीके से मेरा स्किन टोन है, जैसे मेरी स्किन बहुत ड्राई है और सर्दियों के टाइम में बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, सेम चीकू के साथ में भी वही दिक्कत थी कि जैसे ही सर्दियाँ एक्सट्रीम सर्दियाँ आई तो उसकी स्किन इतनी ड्राई हो गई कि वो लोशन बार 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 लगाना पड़ रहा था। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो शिया बटर एक आता है, लाइक वो वैक्स की तरह होता है, उसको हल्का सा पाम में लेना पड़ता है, घिसना पड़ता है, फिर वो तेल की तरह आपके हाथ पे फैल जाता है। अगर आपकी स्किन बहुत ड्राई है तो आप शिया बटर लगाइए, वो सिर्फ बच्चों के लिए नहीं बड़ों के लिए भी बहुत अच्छा है। सो मैंने एक ऑर्गेनिक शिया बटर मंगाया है नायका से और उसकी ऑलमोस्ट 2 से 3 बॉटल थी जो सर्दियों में पूरी ख़त्म हो गई। चीकू को कोई भी दिक्कत नहीं हुई, उसकी स्किन ड्राई नहीं हुई, जो फटने लग जाते हैं गाल और हाथ वो सब कुछ भी नहीं हुआ उसके साथ में। तो ये सारी चीज़ें थी जो मैंने यू नो थ्रू आउट टिल 14 मंथ्स तक ये सारी चीज़ें पूरी रूटीन में फॉलो करी, क्योंकि बार 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 बेबी का भी स्किन चेंज हो रही होती है, आपको सीजन चेंज हो रहा होता है, प्रोडक्ट्स चेंज करने पड़ते हैं। बट फाइनली फ्रॉम लास्ट 3 मंथ से मेरा एक स्ट्रिक्ट तो नहीं कहूँगी लेकिन हाँ एक रूटीन है जिसमें मैं पर्टिकुलरली वही प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हूँ और उन्हीं को मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ। चीकू की स्किन बहुत कंफर्टेबल है प्रोडक्ट्स के साथ में। सो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बाथ एंड बॉडी से। सो सबसे पहले जो चीकू को नहलाने के लिए मैं प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ वो है ममाअर्थ का बॉडी वॉश और ममाअर्थ का ही शैम्पू। ये दो चीज़ें हैं जो मैं यूज़ करती हूँ, बहुत अच्छे हैं, बहुत लाइट है, बहुत अच्छी फ्रेगनेंस है। दो बच्चों को फ्रेगनेंस प्रोडक्ट यूज़ नहीं करने चाहिए बट ये फ्रेगनेंस बिल्कुल बैलेंस है, उससे कोई भी दिक्कत नहीं होती है बच्चों को। चीकू को तो नहीं हुई है और चीकू को थोड़ा सा रैशेस प्रॉब्लम है, लाइक स्किन का रैशेस प्रॉब्लम है उसको। कोई भी अगर चीज़ कोई भी ऐसी चीज़ होती है, क्योंकि बच्चे टॉडलर आपको पता ही कुछ भी उठा लेते हैं कुछ भी लगा लेते हैं तो उसके स्किन पे हल्के हल्के रैशेस हो जाते हैं, तो उसके लिए मैं यूज़ करती हूँ ममाअर्थ का फोमिंग फेस वॉश। ये तो ये पर्टिकुलरली 3 चीज़ें हैं जो मैं चीकू के यू नो नहाते टाइम पे यूज़ करती हूँ, एक शैम्पू, एक बॉडी वॉश, एक फेस वॉश। चीकू कभी कभी यूज़ करना पड़ता है, ऐसा नहीं इसको रोज़ यूज़ करना पड़ता है, जब उसके थोड़े से रैशेज ज़्यादा हो जाते हैं तब मुझे यूज़ करना पड़ता है। नेक्स्ट मैं यूज़ करती हूँ उसके लिए हेयर ऑयल और जो भी उसका लोशन है अभी करेंटली जो चल रहा है। जैसे मैंने आपको बताया मैं ममाअर्थ का ही लोशन यूज़ कर रही थी बट वो अभी ख़त्म हो गया है, उसके बॉटल मेरे पास नहीं है। तो मैंने क्योंकि लास्ट समर में भी मैंने जॉनसन एंड जॉनसन का लोशन चीकू के साथ यूज़ किया था, मुझे पता है उसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं हुआ, बहुत अच्छा लाइट लोशन था जैसा गर्मियों में चाहिए होता है। सो फिर मैं चीकू का लगाती हूँ, ये राइस मिल्क एंड राइस लोशन है जॉनसन एंड जॉनसन का। इसके अलग अलग तरीके के आते हैं, सॉफ्ट टच आता है और एक बड़ी बॉटल थी लास्ट ईयर मेरे पास पिंक कलर की, वो पूरी ख़त्म हो गई। सो अभी करेंटली मैं ये वाला यूज़ कर रही हूँ और उसके बाद में मैं लगाती हूँ चीकू को हेयर ऑयल। हेयर ऑयल इसके बारे में स्पेसिफिकली थोड़ा डिटेल में आपको बताऊंगी, ममाअर्थ का हेयर ऑयल है। चीकू जब हुआ था उसके अच्छे खासे बाल थे, फिर उसका मुंडन हुआ, फिर बीच में पता नहीं क्या हुआ उसके बाल थोड़े से आना कम हो गए। तो मैंने थोड़ा सर्च किया कि बच्चों के बालों का क्या मतलब, कैसा उनके बच्चों की हेयर ग्रोथ कैसे बढ़ाई जाए। नारियल पानी सारी चीज़ें अलग होती है बट हेयर ऑयल भी बहुत एक यू नो मेजर रोल प्ले करता है। फिर मैंने देखा ममाअर्थ का इसके रिव्यूज़ बहुत अच्छे थे, मेजरली जो न्यू मॉम थी और मॉमी ब्लॉगर्स थी, जब मैंने उनके वीडियोस देखे तो मुझे पता चला कि इस ऑयल को यूज़ करने से बच्चों के हेयर की ग्रोथ अच्छी हो गई। सो मैंने एज अ रिजल्ट मैंने भी यूज़ किया। जब मैंने इसको यूज़ किया तो ऑलमोस्ट 3 to 4 months के अंदर चीकू की हेयर ग्रोथ इतनी अच्छी हो गई, उसके हेयर्स की ग्रोथ टचवुड अब बहुत अच्छी है। मैं रेगुलरली ये यूज़ कर रही हूँ। सर्दियों में हम लोग बादाम ऑयल यूज़ करते हैं, गर्मियाँ आती हैं हम लोग ये ऑयल यूज़ करने लग जाते हैं इंस्टेड ऑफ़ यूजिंग नारियल का तेल। सो इसके रिजल्ट मुझे तो बहुत अच्छे लगे, मतलब 5 out of 5 मैं इसको रेटिंग दूंगी अगर कोई मुझसे पूछे तो। सो ये अभी करेंटली हेयर ऑयल मैं चीकू का ममाअर्थ का यूज़ कर रही हूँ।
उसके बाद में मैं उसको लगाती हूँ, क्योंकि अब गर्मियाँ आ रही हैं, मच्छर होने लग गए हैं, तो मैं उसको ममाअर्थ का मॉस्किटो रेपेलेंट लगा देती हूँ पूरी बॉडी पे उसके। और ये स्किन पे लगाओ, आप हल्का सा लो, इस तरीके की बॉटल है, स्प्रे जैसी बॉटल है, इसको हल्का सा हाथ में लो, रब करो, पूरे बॉडी पे लगा दो। फेस पे लगाते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिए आईज़ के आसपास नहीं लगाइए, क्योंकि एक बार गलती से मेरा हाथ, मेरी उंगली चीकू के आँख में चली गई थी। सो थोड़ा सा ध्यान, बच्चों के साथ थोड़ा सा, बच्चे हाथ पर तो हिलाते हैं, लेकिन थोड़ा सा हम लोगों को ध्यान रख के ये चीज़ लगानी चाहिए। इसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे हैं। कभी कभार अगर मैं भूल जाती हूँ और चीकू बाहर खेल रहा होता है तो उसमें मच्छर काट जाते हैं। सो ये बहुत अच्छा है, आप इसे रेगुलर बेसिस पर यूज़ कर सकते हैं, चाहे सुबह चाहे शाम, आप कहीं बच्चे को बाहर लेके जा रहे हैं गार्डन में, तब आप लगा दीजिए। मैं तो क्या करती हूँ, क्योंकि स्प्रे जैसा, तो कभी कभी उसके कपड़ों पे भी स्प्रे कर देती हूँ, उससे हाथ पैरों पे सब जगह अच्छे से लगा देती हूँ। सो ये भी ममाअर्थ का मैं यूज़ कर रही हूँ लास्ट, क्योंकि अब गर्मी आ रही है और हमें पता है कि भाई सनस्क्रीन लोशन तो सबके लिए बहुत ज़रूरी होता है, चाहे हम हो गए चाहे बच्चों के, सनस्क्रीन लोशन सबके लिए बहुत बहुत ज़रूरी होता है स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए। बच्चों के लिए तो स्पेशली बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बच्चों की स्किन बहुत डेलिकेट होती है। सो मैं सेबामेट का सनस्क्रीन लोशन यूज़ कर रही हूँ। ये मैंने लास्ट ईयर मंगाया था गर्मियों में, तब से लेके अभी तक चल रहा है, क्योंकि ये बहुत कम यूज़ होता है। नो डाउट थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, बट ऐसा नहीं होता कि एक दो महीने में ख़त्म हो गया। ये बहुत थोड़ा सा आप लीजिए ऑलमोस्ट एक टिप पे, और अच्छे से पूरा स्प्रेड आउट करिए पूरी बॉडी पे। तो लास्ट में मैं चीकू को हमेशा ये लगाती हूँ जब नहाकर आता है चीकू। ये मैं मेक श्योर करती हूँ कि ये इवन चाहे वो घर के अंदर भी है तो भी मैं लगाती हूँ, बाहर जा रहा तो डेफिनेटली मुझे लगाना है, चाहे वो दिन हो शाम हो कोई भी हो। तो मैं ये लास्ट में इससे फिनिश करती हूँ चीकू का स्किन केयर रूटीन। सो ये मेजर चीज़ें थी। अब रात में होता ये है कि क्योंकि बच्चे का अगर गर्मी आ गई या बच्चे को रात में नहलाते हैं, तो आप कोशिश करिए कि एक तेल वेल मत लगाइए बच्चों को। अगर आपको लगता है तेल लगाने की ज़रूरत है, हल्का सा, बहुत हल्का सा तेल लगाइए, और बहुत लाइट लोशन लगाइए। सर्दियाँ हैं तो हैवी लोशन लगाइए, जैसे मैं तो शिया बटर यूज़ करती थी तो मैं वो लगाती थी। गर्मियाँ हैं तो एक लाइट लोशन लगाइए, क्योंकि होता क्या है गर्मियों में बच्चों को बहुत ज़्यादा स्वेटिंग प्रॉब्लम होती है, चाहे वो एसी में है या नहीं है, उन्होंने कपड़े पहने होते हैं, हम उन्हें बिना कपड़ों के रात में सुला नहीं सकते, क्योंकि बच्चों को कब ठंड लग जाए पता नहीं चलता है। सो आप एक लाइट लोशन लगाइए जो बहुत सेंसिटिव, अगर आपके बच्चे की स्किन सेंसिटिव है, ड्राई है, नॉर्मल है, जैसे भी स्किन टोन है उसके अकॉर्डिंग लगाइए। तो मैं यही लगाती हूँ उसको, जो भी मैं सीजन के अकॉर्डिंग यूज़ कर रही होती हूँ क्रीम दिन में, वही मैं उसकी रात में लगाती हूँ। सो ये मैं उसकी रात में लगा देती हूँ और पीसफुली वो सो जाता है। और अगर आपका बच्चा अभी भी डायपर में है तो आप मेरा डायपर वाला वीडियो देखिए, जिसमें बताया था कौन सा डायपर रेस्ट क्रीम है जो मैं यूज़ करती हूँ डायपर पहनाने से पहले रात में, मैं वो उसके डायपर रेस्ट क्रीम लगा देती हूँ। सो ये मेजरली चीकू का स्किन केयर रूटीन है मॉर्निंग टू नाइट का। इसमें मतलब मेजरली जैसे पहले मैंने यूज़ की सेबामेट के प्रोडक्ट, अभी भी मैं सेबामेट की सनस्क्रीन लोशन यूज़ कर रही हूँ। मेजर प्रोडक्ट्स हैं मेरे ममाअर्थ के, क्योंकि उनका रिजल्ट मुझे बहुत अच्छा लगा। स्पेशली गर्मियों में ममाअर्थ के प्रोडक्ट्स चीकू को बहुत अच्छे से सूट करते हैं। सर्दियाँ आती हैं तो शिया बटर हो गया और बादाम रोगन ऑयल हो गया, ये सारी चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ। सो ये मेजर था कि चीकू के स्किन केयर रूटीन में मैं क्या क्या फॉलो कर रही हूँ। मेरा बेटा अभी 17 महीने का है और अभी गर्मियाँ ऑलमोस्ट आ गई हैं, और अब गर्मियाँ के दिन आ रहे हैं और भी गर्मियाँ पड़ेंगी, और राजस्थान में हम तो रहते हैं तो वैसे बहुत गर्मी पड़ती है। सो आप लोग मुझे बताइए कि ऐसा कौन सा और प्रोडक्ट है किसी और ब्रांड का, किसी और बेबी ब्रांड का, जो मुझे यूज़ करना चाहिए। मेरे बेटे का स्किन टोन थोड़ा सा ड्राई है और गर्मी में थोड़ा दिक्कत मुझे ज़्यादा होती है उसके साथ में। सो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि मुझे और कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो मेरे बेटे के साथ में मुझे ट्राई करने चाहिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।